किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, हमारे जो ज़्यादातर किसान भाइयों पशुपालन करते हैं और पशुपालन करते हैं तो उनके घर में जो FYM मैन्योर है वो तैयार होती है, यानी कि जो गोबर की खाद हम जिसको बोलते हैं, गोबर की खाद तैयार होती है। तो देखिए, गोबर की खाद बहुत सारे किसान भाई जब उनके घरों में तैयार होती है तो अपने खेतों में उपयोग करते हैं, लेकिन देखिए वो सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। यदि हम गोबर की खाद के बहुत बेनिफिट होते हैं हमारे फील्ड में, हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, लेकिन उसी गोबर की खाद को जो FYM मैन्योर है उसको हम सही ढंग से उपयोग ना करें, सही समय पर उपयोग ना करें, सही क्वांटिटी के साथ उपयोग ना करें तो उसके नुकसान भी होते हैं, उसके ऐसा नहीं कि फ़ायदे ही होते हैं। तो इसलिए अच्छे बेनिफिट आपको चाहिए और फ़ायदे ही आपको चाहिए तो सही समय पर, सही क्वांटिटी के साथ और सही तरीके की खाद का उपयोग ही हमें अपने खेतों के अंदर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी लेंगे कि हमें अपने फील्ड के अंदर कैसी जो गोबर की खाद है वो कैसी होनी चाहिए, तब कब हमें उसको उपयोग करना चाहिए, उसके साथ साथ हमें कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए, किस समय हमें उपयोग करना चाहिए और यदि हम गलत तरीके से करते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि हमें FYM मैन्योर यानी कि गोबर की खाद का उपयोग कैसे करना चाहिए, यानी कि किस तरीके की गोबर की खाद का हमें उपयोग करना चाहिए। देखिए, जो गोबर की खाद है वो तीन तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है रॉ यानी कि कच्ची गोबर की खाद, दूसरी हो सकती है कि पार्शियली डिकम्पोज्ड गोबर की खाद या FYM मैन्योर, यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, कुछ वो डिकम्पोज्ड है, कुछ कच्ची है, और तीसरी है कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड यानी कि फुली तैयार यानी कि फुली रेडी जो गोबर की खाद है तीसरी वो हो सकती है। तो हमें जो फुली डिकम्पोज्ड यानी कि पूरी तरीके से तैयार गोबर की खाद है उसी का अपने खेतों में उपयोग करना चाहिए, बाकी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं वो समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि जो गोबर की खाद है अच्छे से तैयार है यानी कि फुली डिकम्पोज्ड है, हम इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं, उसकी क्या पहचान होती है, क्या आइडेंटिफिकेशन उसका होता है। तो देखिए, जब हमारी गोबर की खाद पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो उसमें क्या होता है, एक तो उसका जो कलर आप देखेंगे वो डार्क ब्राउन कलर की होगी, यानी कि गहरे भूरे रंग की वो आपको देखने को मिलेगी, डार्क ब्राउन कलर की होगी, वो भुरभुरी होगी, उसमें ढेले टाइप में नहीं होंगे, पूरी भुरभुरी वो होगी, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी। जो तैयार गोबर की खाद होगी उसमें किसी तरीके की आपको स्मेल नहीं देखने को मिलेगी। और एक और तरीका है इसको चेक करने का कि खाद तैयार है या नहीं, आप उस भुरभुरी खाद को यदि पानी में डालेंगे तो पानी पर वो तैरने लगेगी। तो पानी पर यदि तैर रही है तो समझिए कि जो हमारी गोबर की खाद है वो फुली डिकम्पोज्ड है, हम उसको खेत के अंदर डाल सकते हैं। और यदि वो पानी पर नहीं तैर रही है, वो पानी में डालने के बाद वो डूब जाती है, तो समझिए कि अभी कच्ची है, रॉ है, अभी हमें इसको नहीं डालना चाहिए। यदि हम रॉ को डालते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब हम कच्ची गोबर की खाद अपने खेतों में डालते हैं? तो देखिए, पहला जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं हमारे प्लांट को, हमारी फसल को। मान लीजिए आपने फसल, किसी भी फसल की आप बुवाई करने वाले हैं, उससे पहले जो कच्ची गोबर की खाद अपने खेतों में डालकर आपने मिला दी है, तो अब क्या होगा कि आपने गोबर की खाद तो डाल दी, आपने क्यों डाली कि जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो, उससे जो पोषक तत्व हमारी फसल को मिले, हमारी मिट्टी की कंडीशन सुधरे और हमारी जो क्रॉप है वो हमें बेहतर देखने को मिले। लेकिन वैसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप कच्ची गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है, पोषक तत्व होते हैं, वो अलग फॉर्म में होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो उसमें प्रोटीन फॉर्म में होती है, तो वो नाइट्रेट या अमोनियम फॉर्म में नहीं होती, अवेलेबल फॉर्म में नहीं होती, वो प्रोटीन के फॉर्म में होती है। देखिए, कच्ची गोबर की खाद को जब जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद ही जो प्रोटीन फॉर्म है वो उसको तोड़ते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, फिर अमीनो एसिड्स की जो फॉर्म है उसको ब्रेक करते हैं, जिससे फिर अमोनियम या नाइट्रेट निकलते हैं। तो इस तरीके से वो जो उसके अंदर प्रोटीन फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको रिलीज करते हैं बैक्टीरिया, तो उसमें समय लगता है। तो वो जो डिकम्पोज्ड होती है वो उसमें वो अवेलेबल फॉर्म में होती है नाइट्रोजन, लेकिन जो कच्ची है उसमें प्रोटीन फॉर्म में होती है। यदि आप उसको डाल देते हैं तो उसको डिकम्पोज होने में 2 महीने या 3 महीने का समय लग जाएगा फील्ड के अंदर। तो इतने समय में आपकी क्रॉप बड़ी हो जाएगी और उसको जो नाइट्रोजन जो पोषक तत्व मिलने चाहिए उस गोबर की खाद से, वो उसको नहीं मिल पाएंगे,
जिससे आपका गोबर की खाद डालने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके साथ साथ इसका एक और नुकसान होता है कि देखिए, जब आप कच्ची गोबर की खाद खेतों के अंदर डाल देते हैं, तो कच्ची गोबर की खाद जब आप खेत में डालते हैं तो देखिए, इसमें कार्बन तो होता ही अवेलेबल फॉर्म में कच्ची गोबर की खाद में, तो जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उन्हें कार्बन मिलने पर आप जानते हैं कि वो तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो तेजी से ग्रोथ बढ़ती है उनकी, वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो मल्टीप्लाई तो होते हैं, उनकी बॉडी बन जाती है, लेकिन अब उन जब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनके विकास के लिए, उनकी जो बॉडी है, बॉडी के बढ़वार के लिए उन्हें जरूरत होती है नाइट्रोजन की, लेकिन नाइट्रोजन कच्ची गोबर की खाद में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से फिर वो जो नाइट्रोजन अपनी बॉडी के विकास के लिए उनके जो नाइट्रोजन चाहिए, वो सॉइल की जो नाइट्रोजन है, सॉइल में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है, उसको खाने लगते हैं, उसको लेने लगते हैं अपने विकास के लिए। इससे हमारी भूमि के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है और हमारी जो फसल है उस टाइम पे उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने अपने विकास के लिए वो नाइट्रोजन ले ली है। तो कुछ समय के लिए जो टेम्पररी जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी है वो हो जाएगी, तो हमारे पौधे को नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब जो जो हम माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, जिन्होंने वो नाइट्रोजन खाई है सॉइल की, वो 2-3 महीने के बाद जब वो ख़त्म होंगे, उनकी डेथ होगी, उसके बाद फिर उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होगी, उनकी डेथ होने के बाद ही जब वो नाइट्रोजन रिलीज होगी तो तब वो पौधों को मिल पाएगी, लेकिन जब हमारी क्रॉप को जरूरत है उस टाइम पे वो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें जो कच्ची गोबर की खाद है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे जो हमारे पोषक तत्व भूमि में भी मौजूद हैं उनकी भी टेम्पररी जो है डिफिशियंसी हो जाती है, परमानेंटली डिफिशियंसी नहीं होती, वो टेम्पररी होती है, क्योंकि कुछ समय के लिए जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने अपने बॉडी के विकास के लिए वो अपने अंदर ली है, उन्होंने खाई है, और बाद में जब उनकी डेथ होती है तो वहीं सॉइल में रिलीज हो जाती है, तो इसलिए टेम्पररी डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जब कच्ची गोबर की खाद का आप उपयोग करते हैं तो आप जानते हैं आपके खेत के अंदर जो वाइट ग्रब्स होते हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, वो कीट जो है वो बढ़ जाता है वाइट ग्रब्स, और वाइट ग्रब्स आप जानते हैं कि जो सीडलिंग होता है सीडलिंग को जड़ से काट कर गिरा देता है और सॉइल के अंदर रहता है, वो हमें दिखाई भी नहीं देता है, तो फिर वाइट ग्रब की समस्या भी हमें अपने खेतों के अंदर देखने को मिलती है। टर्माइट, दीमक की समस्या भी ऐसे खेतों में बढ़ जाती है जहाँ हम कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ कच्ची गोबर की खाद का जब आप उपयोग करते हैं तो जो फंगस होती है फ्यूजीनियम फंगस, ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज उत्पन्न करती है, तो फ्यूजीनियम फंगस भी बढ़ जाती है हमारे खेत के अंदर, तो इसलिए हमें कच्ची गोबर की खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जब कच्ची गोबर की खाद आप खेतों में डालते हैं तो देखिए, उसके अंदर वीड्स भी होते हैं, सीड होते हैं जो खरपतवार के सीड, क्योंकि पशु को जब हम चारा खिलाते हैं तो वो बहुत सारे खरपतवार खाता है, तो गोबर के अंदर सीड्स भी आते हैं, तो सीड्स भी हमारे खेत के अंदर जाते हैं, जिससे हमारे खेतों के अंदर जो खरपतवार की वीड्स की समस्या वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वहीं यदि हम डिकम्पोज डालते हैं, पूरी तैयार डालते हैं, तो जो सीड्स होते हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, वो भी गल जाते हैं, जिससे फिर हम खेतों में डालते हैं तो जो वीड्स की समस्या, खरपतवारों की समस्या वो नहीं बढ़ती है। इसलिए हमें जो फुली तैयार गोबर की खाद है, FYM मैन्योर है, हमें उसी का उपयोग करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। और देखिए, इसको तैयार करने में 5-6 महीने का समय लगता है जो गोबर की खाद है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी जो कुछ बैक्टीरिया भी हैं, जैसे वेज डिकम्पोजर है, तो उससे हम जल्दी तैयार कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम गोबर की खाद कैसे तैयार करें तो हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि हमें जो गोबर की खाद है वो कितनी क्वांटिटी में खेतों के अंदर डालनी चाहिए। हमने जान लिया कि हमें फुली जो डिकम्पोज्ड है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार गोबर की खाद है, उसी को डालना है, लेकिन कितनी मात्रा में डालना है, तो देखिए उसकी जो क्वांटिटी होती है पर एकड़ की, तो 6 टन यानी कि 6 टन पर एकड़ के हिसाब से ही हमें डालना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि गोबर की खाद हम ज़्यादा डालेंगे तो उससे हमें अच्छी फसल होगी, देखिए उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। यदि एक बार में आप 1 ईयर में 6 टन से आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, जब ज़्यादा हम डिकम्पोज जो पूरी तैयार गोबर की खाद है खेतों के अंदर डालते हैं, मान लीजिए 6 टन से ज़्यादा आप डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन जो होती है अवेलेबल फॉर्म में होती है, अमोनियम या नाइट्रेट के फॉर्म में होती है, तो उसमें नाइट्रोजन जब हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब हम कोई भी प्लांटिंग करेंगे या सीड लगाएंगे तो वो जब जर्मिनेट होगा तो स्टार्टिंग में क्या है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होने के कारण जो हमारा सीड्स है उसमें एक तो बर्निंग आ सकती है, और उसके साथ साथ जो सीडलिंग है हमारा
जो अभी छोटा पौधा है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें पीलापिन भी आ सकता है या वो बर्न हो सकता है ज्यादा नाइट्रोजन के कारण। तो इसलिए हमें जो गोबर की खाद है वो 6 टन से ज्यादा भी नहीं डालनी चाहिए और उससे कम भी नहीं डालनी चाहिए। उससे कम भी आप डालेंगे तो उससे क्या है कि जो पोषक तत्व हैं वो उतने अवेलेबल नहीं होने हो पाएंगे जितने होने चाहिए पौधे को, जिससे भी जिसकी वजह से भी जो उतना अच्छा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा क्रॉप में। ऐसा नहीं है कि हम कम डालेंगे तो हमारी क्रॉप बेकार होगी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा डालेंगे तो अच्छा ही उसके बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे जितने अच्छे मिलने चाहिए। तो इसलिए 6 टन पर एकड़ के हिसाब से ही हमें डालना चाहिए। डालने की सही टाइमिंग की यदि हम बात करें तो जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करने वाले हैं, प्लांटिंग करने वाले हैं, तो उससे लगभग 7 से लेकर के 14 दिन पहले हमें खेत में डाल करके अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। या बेड बना कर डालना चाहते हैं तो आप बेड बना करके बेडों में मिला देना चाहिए, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा नहीं है कि 7 दिन पहले ही आपको डालना नेसेसरी है, कंपलसरी है, तो आप 3-4 दिन पहले भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम, बेस्ट रिजल्ट यदि आपको चाहिए तो वही है कि 7 से 14 दिन पहले आप डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमने गोबर की खाद खेतों के अंदर डाल तो दी, लेकिन अब इसके हम डिटेल में समझेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे काम करती है सॉइल के अंदर जा करके, क्या बेनिफिट होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।